हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस के आने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आज हम वॉइस का लेक्चर 10 शुरू करने जा रहे हैं और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझने हैं, जानने हैं, तब जाकर वॉइस का एक क्लियर कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर पाते हैं और वॉइस पर चाहे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश हो चाहे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो आप काम करने में सक्षम होते हैं। तो लेक्चर शुरू करने के पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि यदि वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर अवश्य करें और अपने कमेंट्स भी अवश्य लिखें। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, हम लेने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एक्टिव वॉइस में हमको दिखाई पड़ता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और पैसिव इसका बनना होता है। तो एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन दिखाई पड़ता है और इसका पैसिव बनाना होता है। यदि चॉइस के लिए दिया जाए तो थोड़ा सा काम आप कर ले सकते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन आपको विकल्प में दिया रहेगा, हो सकता है नहीं भी दिया रहे तो आपको प्रीपोजिशन वाला पार्ट तलाश करना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई हो जाती है कि जब हम डिटेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स या इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पर काम करना चाहते हैं तो आम स्टूडेंट्स को समझ में यह बात नहीं आती है कि जो वर्ब के साथ पैसिव में प्रीपोजिशन मौजूद होना चाहिए वो प्रीपोजिशन को हटाया जाता है और आपको वर्ब का फंक्शन, वाक्य का मीनिंग समझते हुए डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा प्रीपोजिशन मिसिंग है। तो एक सिचुएशन, जैसा कि हमने कहा कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन ये कब आता है, ध्यान रखिएगा कि कभी स्थिति ये बनती है कि हमने कहा था कि कोई वर्ब यदि इंट्रांजिटिव है तो ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ही हो गया अकर्म क्रिया, ये कर्म नहीं लेती है। लेकिन स्थिति क्या है, ध्यान रखिएगा कि वर्ब यदि इंट्रांजिटिव है तो आवश्यकता अनुसार एक प्रीपोजिशन का यहां प्रयोग करके एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यह स्थिति हमको कब बनती है, कुछ वर्ब्स के साथ, नॉट ऑल वर्ब्स। तो कुछ वर्ब्स के साथ यह स्थिति हमको बनती है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां थोड़ी सी बात हम समझा दें कि एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यह ऑब्जेक्ट एक्चुअली जो हमारा होता है यह इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अतः यदि प्रीपोजिशन है तभी ऑब्जेक्ट है, यदि प्रीपोजिशन नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। कुल मिलाकर समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो वर्ब इंट्रांजिटिव है इसको ऑब्जेक्ट लेने का पावर नहीं है और एक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यह वर्ब इंट्रांजिटिव प्लस प्रीपोजिशन दोनों मिलकर बराबर हो गया हमारा वर्ब ट्रांजिटिव के। इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी हम यदि इस ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाकर लाना चाहेंगे तो स्वाभाविक है यह ऑब्जेक्ट तभी तक वाक्य में मौजूद रहेगा जब तक इस इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन मौजूद रहेगा, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। पैसिव में क्या करता है, इस प्रीपोजिशन को ड्रॉप कर देता है, डिलीट कर देता है, ठीक है, और डिटेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स इंप्रूवमेंट में इस पर आधारित प्रॉब्लम देता है, इस प्रीपोजिशन को हटा के। तो चाहे चॉइस के लिए दिया जाए, चाहे डिटेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स में दिया जाए, चाहे इंप्रूवमेंट में दिया जाए, ये कुछ बात आप समझ लीजिए तो बहुत मदद आपको मिल सकती है। जैसे ध्यान देना है कि यदि हम कहें कि ही लाफ्ड, वह हंसा, तो इसका हम लोग प्रयोग वर्ब इंट्रांजिटिव के रूप में यहां किए हैं, वह हंसा, ही लाफ्ड, वह हंसा, और इस लाफ क्रिया का असर किसी दूसरे पर नहीं पड़ने जा रहा है। अब ये हंसा, अब इसका अच्छा है बुरा जो भी प्रभाव ही पर पड़ेगा, इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब इंट्रांजिटिव हो गया। इसके साथ डायरेक्ट हम कोई ऑब्जेक्ट यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसी में यदि हम चाहते तो प्रीपोजिशन यहां एट का प्रयोग करके कह सकते थे कि लाफ्ड एट मी। अब हम नोटिस करें तो इस लाफ का असर इस एट के कारण पड़ रहा है, किस पर, मी पर। इसका मतलब हुआ कि इस मी पर असर डलवाने के लिए यह एट जवाबदेह है ना, और यह एट जो है यहां प्रीपोजिशन है
और ये अपने लिए ऑब्जेक्ट मी ले रहा है, न कि लाफ ले रहा है, है ना। तो लाफ इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसका चाहे जिस फॉर्म में हम प्रयोग करें। तो इस तरह से अब ये सेंटेंस एक्टिव में हमको दिखाई पड़ेगा कि ही लाफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसा। अगर खेला इसका पैसिव यदि आपको बनाने के लिए दिया जाए तो क्या बनाएंगे? ध्यान रखना है कि ये हमारा सब्जेक्ट का हिस्सा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, और कुल मिलाकर हमने कहा कि इस लाफ्ड और एट को रफली हम लोग यहां मान लेते हैं वर्ब ट्रांजिटिव समझने के लिए, अन्यथा हमने आपको क्लियर कर दिया ये एट का ही ऑब्जेक्ट का काम मी कर रहा है। अब स्थिति क्या है, यदि इसका पैसिव हम बनाते हैं तो एक्टिव है तब भी लाफ्ड एट रहेगा, पैसिव है तब भी लाफ्ड एट रहेगा ही, है ना। अब वहां से आई को हम सब्जेक्ट बना ले तो ये क्या बन जाएगा, आई वॉज लाफ्ड, और ये एट जो का त्यों रहेगा, ध्यान रखना है आई वॉज लाफ्ड एट। और अब क्या है, ये ही के लिए यहां बाई लगाना पड़ेगा, बाई प्लस एजेंट, ये बाई हिम हो जाएगा। तो हम यहां दें तो पैसिव में हमको वर्ब का स्वरूप कहां तक दिखाई पड़ रहा है, वॉज के बाद लाफ्ट है, अर्थात ये विक्रिया है, इसके साथ ये भीतरी है, लेकिन साथ ही साथ यहां आया हुआ है एक्ट, ये एक्ट एक्टिव पैसिव दोनों में मौजूद रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब एग्जामिनेशन में क्या करता है मैं बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, ये डिटेक्शन ऑफ कॉमन एयर्स में इंप्रूवमेंट में देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि इस प्रीपोजिशन को ड्रॉप कर देता है और ये सेंटेंस आपको सीधा दिखा देता है कि आई वॉज लाफ्ड बाई हिम। और आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स जैसे हम कहते हैं कि आई वॉज हेल्प्ड बाई हिम, वैसा आप इसको समझ लेते हैं और आपको कोई गड़बड़ी समझ में नहीं आती है। तो प्रॉब्लम कहां से खड़ा हुआ कि हेल्प जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको कोई प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, ये हेल्प वर्ब ट्रांजिटिव है, इसलिए एक्टिव पैसिव दोनों में ये ऑब्जेक्ट लेकर चलेगा। लेकिन लाफ्ट इन ट्रांजिटिव वर्ब है, जब तक हम इसमें एट नहीं जोड़ेंगे तब तक ये हमारा पैसिव का सब्जेक्ट जो एस वन हमने बताया था कि हम इसको एस वन मान रहे हैं, तब तक ये एस वन बनने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तो ये एस वन बिल्कुल सही है, लेकिन इस एट के बगैर इसका एस वन के रूप में आना संभव नहीं है। और कहीं ना कहीं से हमको बताया जा रहा है कि हिम के द्वारा आई पर हंसने का काम हुआ, तो पर के लिए आपको यहां ध्यान रखिएगा, उम्मीद करेगा एग्जामिनेशन में ये एट मिसिंग है, ये बताइए। तो एरर या इंप्रूवमेंट में यदि दिया जाएगा तो आपको यही चीज दिया जाएगा जिसमें से एट को मिस करा देगा, ठीक है। इसी तरह से यदि हम कहते शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, अब यहां पर ध्यान दें तो शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, अब ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है और स्माइल का असर किसी पर नहीं पड़ा है, शी ने मुस्कुराने का काम किया, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अच्छा बुरा किस वजह से वो हंसी हो जाने, है ना, उससे हमको कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये काम इसने किया, दूसरे पर इसका कोई असर फिलहाल हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसी में यदि हम कहते कि वह मुझ पर मुस्कुराई, सी स्माइल्ड एट मी, वह मुझ पर मुस्कुराई, है ना, अर्थात मुझे देखकर मुस्कुराई, है ना, कुछ ना कुछ इस तरह की बात इसमें आ रही है और उस मुस्कुराहट का असर मी पर पड़ा है, सी स्माइल्ड एट मी, मुझ पर मुस्कुराई। अध्ययन है इस जगह पे फिर यदि हम ध्यान दें तो स्माइल्ड और एट ये दोनों मिलकर हमने कहा कि ये बराबर हम मान लेंगे वर्ब ट्रांजिटिव के, इसका मतलब हुआ कि मी का प्रयोग तभी होगा जब स्माइल्ड अपने साथ एट लेकर आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं, है ना। तो ध्यान देना है यदि इसका हम पैसिव बनाना चाहें तो इसका पैसिव फिर क्या बन जाएगा कि आई वॉज स्माइल्ड, और ध्यान रखना है ये एट को आपको यहां भी ढोना पड़ेगा, सीधा ध्यान रखिए, है ना, आई वॉज स्माइल्ड एट, और तब फिर यहां हो जाएगा बाय हर। तो एक सिचुएशन हमको यह दिखाई पड़ेगा कि कोई भी वर्ब इंट्रांजिटिव है, आवश्यकता अनुसार उसके साथ एक प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो आगे ऑब्जेक्ट लेगा, है ना, और वह ऑब्जेक्ट उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा न कि वर्ब का। और हमने कहा कि समझने के लिए इस चीज को याद रखिएगा कि यहां इंट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों मिलकर ट्रांजिटिव वर्ब के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो दोनों को रहना पड़ेगा वहां पे यदि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो एक सिचुएशन ये है, दूसरा सिचुएशन ध्यान रखिएगा कि फ्रेजल वर्ब्स का है। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब ये हो गया कि कोई वर्ब है उसके साथ एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है और वो एक विशिष्ट अर्थ लिए हुए है, या कोई वर्ब है उसके साथ एक एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है ना, ये सारी संभावनाएं हमको मिलती हैं।
अब इसमें भी क्या करता है कि जो फ्रेजल वर्ब का प्रीपोजिशन है उसको वाक्य में पैसिव हो हटा देता है। डिटेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, इंप्रूवमेंट, दोनों में यह काम करता है कि हटा देता है। और यही काम आपको करेगा कि एक्टिव का यदि वाक्य दे दिया है उससे पैसिव चुनने के लिए आपको दिया जाएगा, तो किसी में प्रीपोजिशन रखेगा, किसी में प्रीपोजिशन हटा देगा, यह सब विकल्प आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रहे, जैसे कुछ फ्रेजल वर्ब्स की बात करें, यदि हम कहते हैं लुक आफ्टर, देखभाल करना, अब ये दोनों शब्द लुक और आफ्टर है तभी इसका अर्थ निकलेगा देखभाल करना। यदि लुक के साथ आफ्टर नहीं है तो फिर लुक का अर्थ सामान्य तौर पर होता है दिखना, मालूम पड़ना, प्रतीत होना, है ना, तो फिर वो देखभाल करना अर्थ नहीं होता है। और शाब्दिक अर्थ लुक का और आफ्टर का यहां बिल्कुल अलग अलग है। आफ्टर का सामान्य अर्थ होता है बात, लेकिन दोनों मिलकर एक नया अर्थ लिए हुए है, है ना, लुक आफ्टर देखभाल करना अर्थात टेक केयर। तो टेक केयर ऑफ के बराबर यह हो जाता है किसी व्यक्ति किसी वस्तु का देखभाल करना, है ना, लुक आफ्टर। इस तरह ध्यान रखना है, यदि हम कहते हैं लुक इनटू, छानबीन करना, जांच पड़ताल करना किसी तथ्य का किसी चीज का, उसी तरह से ध्यान रखिएगा हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंक्वायर इनटू, है ना, लुक इनटू, इंक्वायर इनटू सम मैटर, ए केस आदि, ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो जब किसी भी तथ्य की छानबीन जांच पड़ताल हम करते हैं तो उसके लिए लुक इनटू, इंक्वायर इनटू का प्रयोग करते हैं। उसी तरह ध्यान रखिएगा कि यह पत्रकारिता की शैली में इस्तेमाल होता है प्रोब इनटू, तो न्यूज़पेपर्स वगैरह में लोग लुक इनटू, इंक्वायर इनटू के बदले प्रोब इनटू का अक्सर प्रयोग करते हैं। तो ये हमने कहा कि ये साहित्यिक प्रयोग नहीं है, लिटरेरी प्रयोग नहीं है, बल्कि इसको हम लोग कहते हैं कि यह जर्नलिस्टिक यूज है, अर्थात पत्रकारिता का प्रयोग है। अब इसमें भी क्या करेगा कि पैसे में इस इंटू को गायब कर देगा, इस आफ्टर को गायब कर देगा, है ना, इस तरह से आपको यह भी प्रॉब्लम देता है। इस तरह चलिए दो से अधिक शब्दों से बना हुआ भी एक फ्रेजल वर्ब हम आपको बता दें। जैसे हम कहते हैं पुट अप विथ, बर्दाश्त करना, तो पुट इसमें वर्ब है, अप यहां एडवर्ब है और विथ यहां प्रीपोजिशन है। यह तीन शब्दों से बना हुआ है और एक बिल्कुल नया अर्थ लिए हुआ है जिसका अर्थ होता है बर्दाश्त करना, सहन करना, है ना। अब इनमें से कोई एक वर्ब हम ले रहे हैं उदाहरण के लिए, आपको समझाने के लिए और परीक्षाओं में प्रॉब्लम्स दिए क्या जाते हैं ये हम आपको बता देते हैं, समझा रखिएगा। चूंकि लगभग 1986-87 से हमने क्वेश्चंस का स्टडी शुरू किया, डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस दिए जाते रहे हैं, उन क्वेश्चंस के जो अनुभव मुझे मिले हैं वही सब चीजें हम आपको बता रहे हैं कि परीक्षाओं में क्या क्या वैरायटीज क्वेश्चंस के दिए जाते रहे हैं। और इन सब चीजों को यदि आप सावधानी से इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम्स बनेंगे। चूंकि ध्यान रखिएगा कि वाक्य अलग अलग हो सकते हैं, ग्रामर के नियम सीमित हैं, वाक्य अनंत हैं, तो इसलिए यह नहीं है कि लुक इनटू का प्रयोग किसी पास्ट के 20 साल पहले एग्जाम में दिया है तो अब आज तक वो नहीं देने जा रहा है ना। चीजें वही सब रिपीट होती रहेंगी, केवल वाक्य का शब्द बदल जाएगा, सेंटेंस कुछ नया दिखाई पड़ेगा, ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर्स है, ग्रामेटिकल यूसेस है, वो चेंज नहीं होते हैं। अब जिस ध्यान रहे यदि कहें कि एक आध एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, द सीबीआई इंक्वायर्ड इनटू दिस केस, तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि एक्टिव वॉइस में भी क्या करेगा ये, सॉरी हाँ, एक्टिव वॉइस में एक प्रॉब्लम आपको क्या देगा, खास करके डिटेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स और इंप्रूवमेंट में इस इंटू को ड्रॉप कर देगा, सीधे सेंटेंस देगा कि द सीबीआई इंक्वायर्ड दिस केस, है ना। और आप लोग समझ लेते हैं कि छानबीन की, जांच पड़ताल की, लेकिन हमने कहा कि इंक्वायर इनटू ए केस होता है, ना कि इंक्वायर्ड ए केस होता है, है ना। तो एक प्रॉब्लम यह भी ध्यान रखिएगा कि एरर या इंप्रूवमेंट में इनटू को गायब कर देता है और आपसे उम्मीद करता है कि इनटू यहां मिसिंग है या बताइए। अब इसके यदि पैसिव बनाना हो तो ध्यान देना है, हमको कहना पड़ेगा कि दिस केस वॉज इंक्वायर्ड, और फिर ध्यान रखिएगा परीक्षाओं में क्या करेगा, यहां इस जगह से इनटू को गायब कर देगा और यहां सीधे दे देगा बाय द सीबीआई, और आप उम्मीद करेगा कि इंक्वायर्ड अपने बात इनटू लेगा, है ना, चूंकि ये हमारा क्या है, ये एस वन है, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं कि हमारा एस वन जो है वो दिस केस है, जबकि एक्टिव वॉइस में एस हमारा क्या है, सीबीआई है। तो फर्स्ट के प्रारंभ में ही हमने बताया था कि एस हम एक्टिव सब्जेक्ट को
मानते हैं, मान रहे हैं, और एस वन हम पैसिव सब्जेक्ट को मान रहे हैं, अर्थात एस से हम एक्टिव सब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं, एस वन से हम पैसिव सब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं। तो यह हमारा एस वन हो गया और द केस वॉज इंक्वायर्ड बाय द सीबीआई, हमें यह हमारा सेंटेंस नहीं बना। हमसे यहां क्या उम्मीद कर रहा है कि इंक्वायर्ड इंटू ए केस होता है, ये इंटू यहां आप लगाइए, अर्थात ये हमको होना चाहिए द केस वॉज इंक्वायर्ड इंटू बाय द सीबीआई। अब ध्यान दीजिए ये एस वन का हिस्सा है और वन के हिस्से में यहां जैसे इंक्वायर के साथ इंटू लगा हुआ है, उस तरह से यहां भी इंक्वायर के साथ इंटू लगेगा, है ना। अब टेंस जो भी हो, अब यहां सिंपल पास्ट है तो इंक्वायर इंटू हो गया और उसी ढंग से ये पास्ट में सिंपल पास्ट लगा के है तो हमारा पैसिव में वाज इंक्वायर्ड इंटू के रूप में इस्तेमाल हो गया, ठीक है। इस तरह से यदि हम कहते कि Nobody can active can put up with such an insult. अब इसको समझिए, कोई भी आदमी इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई भी आदमी इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बता दे तो can put up with, यहां तक हमारा ये वर्ब है, ये हमारा मॉडल है और इसके साथ ये मेन वर्ब का काम हमारा पूरा फ्रेजल वर्ब कर रहा है, कुछ अपवित कर रहा है। अब मॉडल का पैसिव हम आपको बताए हुए हैं कि मॉडल का पैसिव कैसे बनता है, मॉडल प्लस बी, है ना। और पुट का फिर ध्यान रखना है तीनों रूप समान होता है, भी वन भी टू भी थ्री रूप, तीनों में वो पुट ही होता है, पुटेड जैसा कोई प्रयोग नहीं होता है। ऐसे एग्जामिनेशन में पुटेड ये भी पूछे हुए हैं पास्ट के परीक्षा में, है ना। तो यहां भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अध्ययन है यदि इसका हम पैसिव बनाना चाहें तो स्वाभाविक है पैसिव हमारा क्या हो जाएगा, सच एन इंसल्ट हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट इस वन बन जाएगा पैसिव में, तो इस तरह से क्या बन जाएगा कि सच एन इंसल्ट कैनॉट, चूंकि ये निगेटिव है ध्यान रखना है, नोबडी कोई नहीं, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, इस कैन के साथ नॉट को लाना पड़ रहा है। ये सब सावधानी बरतिएगा, जैसे नोबडी नो वन, है ना, ये सब प्रयोग हो तो यहां सहायक क्रिया जो भी इस्तेमाल होने वाला है वो अपने साथ नॉट लेकर आगे बढ़ेगा, है ना। तो नॉट को हमको ले आना पड़ा, सच एन इंसल्ट कैन नॉट बी पुट अप विथ, और यहां बाय नोबडी देने की कोई आवश्यकता हमको नहीं होती है, चूंकि इन डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे नोबडी नो वन एवरीबडी एवरीवन आदि इस तरह का सब्जेक्ट यदि होता है तो पैसिव हम लोग उसको बाय प्लस एजेंट बनाकर नहीं रखते हैं, उसको हम लोग हटा देते हैं। सॉरी, तो इस तरह से यह हमारा पैसिव बन गया। अब नोटिस करें तो इसमें पुट अप विथ ये बी के साथ आकर के पैसिव बना हुआ है, यही ऊपर में क्या है पुट अप विथ यहां बन गया, cannot be put up with, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, ये पैसिव हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से यदि with को गायब कर दे, up को गायब कर दे, तो स्वाभाविक है कि जो meaning phrasal verb put up with का है वो meaning नहीं रह जाएगा। तो एक सिचुएशन हमको ये समझना था कि यदि कोई verb preposition लेकर चल रहा है तो active हो या passive हो, दोनों में उस प्रीपोजिशन के महत्व को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव में हमको जाना पड़ेगा। तो एक पॉइंट यह हमको समझना था, एक आध पॉइंट और हम ले लेते हैं, क्या लिखिएगा, जिसमें स्थिति क्या होती है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो पैसिव में अपने बात बाय नहीं लेते हैं बल्कि अपने साथ प्रयोग में आने वाले उपयुक्त प्रीपोजिशंस लेते हैं, और इस जगह पे क्या करता है आपको कि जो उपयुक्त प्रीपोजिशंस होना चाहिए वो उपयुक्त प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं करता है बल्कि वही एजेंट के पहले बाय जैसे आम प्रयोग होता है उस तरह से बाय प्लस एजेंट वो आपको दिखाते चलता है। जस्ट एक आध पहले हम झड़प दे देते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए दे देता है कि आई नो हिम और इसका पैसिव बनाने के लिए दे दिया जाए, ध्यान रखिएगा। तो जो लोग तरीके से वॉयस के हर पहलू को नहीं समझते हैं, जिनको सीधा पता है
कि एजेंट के पहले बाई का प्रयोग हो जाता है या पैसिव मेंबर ऑब्जेक्ट पहले बाई का प्रयोग हो जाता है, उनके लिए ध्यान रखिएगा ये प्रॉब्लम नहीं बनने की स्थिति में होती है। चूंकि इस वाक्य का यदि पैसिव बनाया जाए तो जिनको केवल वहीं तक का ट्रेनिंग है वे लोग यहां क्या कर लेते हैं, जैसे नो सिंपल प्रेजेंट है ना। अब ये इसको कर देते हैं हम लोग ही इज नोन, और लास्ट में हम लोग यहां इसको बाय प्लस एजेंट बनाकर बना देते हैं बाय मी। और ध्यान रखिएगा इस तरह का अर्थात नोन वाला प्रॉब्लम विगत परीक्षाओं में भी पूछा है। तो इसकी वजह क्या होती है कि आप में से अधिकांश स्टूडेंट समझता है कि बड़ा छोटा सा वाक्य है, इसमें कोई गड़बड़ तो उसको दिखाई पड़ती नहीं है, वो समझता है कि बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहां हो गया कि नोन यदि बी क्रिया के साथ इस्तेमाल होता है तो ये हमारा ध्यान रखना है कि पैसिव वर्ब के रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन थोड़ी सी बात हम आपको समझा देंगे कि ये नोन जो है ये अपने बाद बाय नहीं लेता है, यह अपने बाद प्रीपोजिशन टू लेता है, अर्थात यह सेंटेंस बन जाता है ही इज नोन टू मी। तो एक्टिव है मैं उसे जानता हूं, पैसिव हो गया कि वह मेरे द्वारा ज्ञात है, अर्थात उसके बारे में मुझे जानकारी है ना। तो ये इंप्लाइड इसका मीनिंग होता है। तो बी क्रिया के साथ हमने देखा कि जैसे ही नोन आया तो नोन के साथ हमने बाई का प्रयोग नहीं किया, टू का प्रयोग किया। इसकी वजह क्या होती है ये हम समझ लीजिए, कुछ चीज हम समझा देते हैं। जैसे नो क्रिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा नो, कुछ और भर्व हम बता देते हैं, ये एक्टिव में ये वर्ब का काम करता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि इसका हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में जैसे ही यह बी क्रिया के साथ भी थ्री रूप लेता है, नो लेता है, तो ये वर्ब के अस्तित्व को खो देता है। और ये बी क्रिया के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा काम करता है ये एडजेक्टिव का, है ना। ये सब बारीकी बहुत सारे लोग आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि विधिवत हर शब्दों का एनालिसिस यदि समझने की क्षमता में कोई टीचर हो, कोई लेखक हो, तभी बहुत सारी बारीकियां आपको समझा पाते हैं लोग, और तो सीधे कह देते हैं कि बस नोन के बाद टू होता है। लेकिन होता क्यों है, इसलिए कि हां बाई प्लस एजेंट का अस्तित्व ये खो देता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है ये, है ना। तो बी के साथ नोन होता है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये अपने बाद ले लेता है टू, है ना। तो आई नो हिम, लेकिन ही इज नोन टू मी, न कि बाई मी, ठीक है। कुछ और वर्ब्स हम देते हैं, वो याद रखिएगा परीक्षाओं में यही सब चीजें अक्सर दिया करता है। ऐसे प्रीपोजिशंस का बहुत व्यापक कॉन्सेप्ट है, बहुत प्रीपोजिशंस की जानकारी आपको रखने की आवश्यकता होती है, तब जाकर सही प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन खास करके जो बी क्रिया के साथ प्रॉब्लम परीक्षाओं में दिए जाते हैं उसकी एक लिस्ट हम आपको दे देते हैं, याद रखिए रफली 99% एग्जाम्स में बस इतना ही पर प्रॉब्लम जब भी आपको बाई प्लस एजेंट लगाता है, यही कुछ वर्ब जो हम आपको देने जा रहे हैं इन्हीं पर वो लगा करके देता है, ठीक है। इसलिए कुछ वर्ब से थोड़ा अलग से आप याद रखिएगा तो बिल्कुल आपका वॉइस का जो खास करके पैसिव का प्रॉब्लम बाई के साथ दिया जाता है वो आप निश्चित रूप से समझने की स्थिति में होंगे। तो देखिएगा ये कुछ वर्ब्स का लिस्ट बिल्कुल याद रखिएगा। मैंने कहा बी के साथ जैसे ही नोन है, हमने कहा कि एडजेक्टिव का काम करता है, ये अपने बाद टू लेता है। उसी तरह से ध्यान रखिएगा कि बी के साथ यदि हम प्रयोग करते हैं एनॉयड, नाराज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दो प्रीपोजिशन लेकर चलेगा। यदि किसी व्यक्ति से आप नाराज हैं तो प्रीपोजिशन बिट हो जाता है, और यदि किसी चीज पर नाराज है तो प्रीपोजिशन एट हो जाता है। एक आध एग्जाम्पल हम बाद में देकर समझा देंगे आपको, पहले ये लिस्ट थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, है ना। तो नोन का अर्थ यहां जो है ध्यान रखना है सीधे हो जाता है ज्ञात, एनवाइड का अर्थ हो जाता है यहां नाराज, न कि नाराज किया गया, बस यही डिफरेंस समझिए, है ना। कि जैसे अन्य वर्ब्स का हो जाता है कि लिखा गया, है ना, पीटा गया, तो उसका अर्थ यहां नहीं है, इसका अर्थ है ज्ञात, तो इसका अर्थ है नाराज, न कि नाराज किया गया, ठीक है। चलिए कुछ और चीजें यहां हम दे देते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे बी टायर्ड, ध्यान रखिएगा, तो बी के साथ जैसे ही टायर्ड आ गया तो ये एडजेक्टिव का काम करता है ना, और ये अपने साथ लेता है प्रीपोजिशन ऑफ, ये ध्यान रखना है। ऐसे भी टायर्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल रूप एडजेक्टिव का, और बी क्रिया के साथ ये सब्जेक्ट की
विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यदि हम कहते हैं कि आई एम टायर्ड, तो इसका अर्थ निकलता है कि मैं थका हूं, यह अर्थ नहीं निकलता है कि मुझे थकाया गया है ना। ही वॉज टायर्ड, वह थका था, यह नहीं उसका अर्थ निकलता है कि उसे थकाया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ चीजें हैं जो बारीकियां हैं, ठीक है, जिनको अलग से समझने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा सीधे बी के साथ भीतरी दिखाई पड़ा अबाई लगा दीजिए, है ना। तो हर जगह यह चीज लागू नहीं होता है। उसी तरह ध्यान रखिएगा कि यदि हम कहते हैं कि बी शॉट, सदमाग्रस्त, बी शॉट, यह अपने साथ एट लेता है। उसी तरह से ध्यान रखना है कि यदि हम कहें बी सरप्राइज्ड, तो यद्यपि मॉडर्न इंग्लिश में इसके साथ बाई का प्रयोग भी परमिसिबल है, डिक्शनरी वगैरह में आना शुरू हो गया है, लेकिन आप स्ट्रिक्ट ग्रामर में इसको फॉलो कीजिएगा तो एक्ट होता है। यद्यपि हमने कहा कि बाई का प्रयोग भी अब मॉडर्न यूज में हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग फिलहाल बोलचाल तक में सीमित मान लेते हैं कि जैसे बाई प्लस एजेंट अन्य वर्ब्स के साथ लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ, वैसे ही यहां सरप्राइज के साथ भी बाई का प्रयोग बोलचाल व्यवहार में करते हैं, इसलिए डिक्शनरी में दिखाया गया बाई भी होता है, लेकिन हमको स्ट्रिक्ट ग्रामर में एट को फॉलो करना है। चूंकि सरप्राइज का अर्थ यह नहीं होता है आश्चर्यित किया गया, बल्कि सरप्राइज का क्या अर्थ होता है, सरप्राइज का अर्थ होता है आश्चर्यित, है ना। तो ये इसका अर्थ होता है, न कि आश्चर्यित किया गया। इसका मतलब हुआ कि सरप्राइज यहां फिर काम क्या कर रहा है एडजेक्टिव का, तो किसी चीज पर हम आश्चर्यित होते हैं, है ना। तो ये हमने कहा कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसी तरह से कुछ और प्रयोग हम समझा दें, ध्यान रखिएगा, जैसे बी के साथ हॉरिफाइड है, हॉरिफाइड का मतलब होता है भयभीत, तो एक्टिव वॉइस में हॉरिफाइड का यदि प्रयोग करें तो इसका अर्थ निकल जाएगा भयभीत कर दिया, है ना, यदि सिंपल पास्ट में प्रयोग करें तो, ठीक है। लेकिन पैसिव में इसका अर्थ भयभीत कर दिया गया नहीं होता है, इसका अर्थ सीधे हो जाता है भयभीत, और यह भी अपने बाद लेटा है एक्ट, ध्यान रखिएगा। तो इन सबों में आपको सावधानी क्या बरतनी है कि इनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसी तरह से कुछ एडजेक्टिव्स हम ले रहे हैं जिनको स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स कहा जाता है, सरप्राइज का अर्थ होता है आश्चर्यित, लेकिन कहीं ना कहीं से ये कुछ हम एडजेक्टिव्स ले रहे हैं जिनका अर्थ हो जाता है अत्यंत आश्चर्य, बहुत आश्चर्य, अचंभित, है ना, ये सब कुछ अर्थ ले लेता है। इसको हम एक ही साथ यहां कुछ एडजेक्टिव्स को डाल देते हैं, ध्यान रखिएगा, ये है जैसे बी क्रिया के साथ, ये एडजेक्टिव का ही काम हर हाल में करेगा, बी प्लस अमेज्ड, उसी तरह से बी प्लस एस्टोनिस्ट, बी प्लस स्टार्टल्ड, है ना, ध्यान रखिएगा स्टार्टल्ड, नहीं तो होता है भौचक्का चकित, है ना, अर्थात अत्यंत आश्चर्य, बी स्टार्टल्ड। इस तरह ध्यान रखिएगा, एक आध वर्ब हम और डाल दें, बी के साथ यदि इस्तेमाल हो बिविल्डर्ड, उसका भी अर्थ होता है भौचक्का अचंभित, है ना, अत्यंत आश्चर्य। ये सब ध्यान रखिएगा अपने बाद प्रीपोजिशन एड लेते हैं, कोई अपने बाद बाई नहीं लेता है ना, ये सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए इसमें से एक आध एग्जाम्पल हम ले, ये बस ये इतना लिस्ट आप तैयार रखिए, है ना, इससे ज्यादा आपको बाई वाला प्रॉब्लम पैसिव में बनाकर नहीं देता है। ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ अक्सर बाई वाला खतरा देता है आपको। अब चलिए हम थोड़ा सा ले लें, जिसमें एक वर्ब हमने बताया कि विक्रिया के साथ यदि इस्तेमाल है तो विथ बा एट दोनों लेता है, उसको हम थोड़ा सा अलग से समझा दे, बाकी सब में तो एक प्रीपोजिशन है इसलिए इसमें दिक्कत नहीं है। अब जैसे ध्यान देना है, यदि हम कहते कि राम एनॉयड सीता, राम ने सीता को नाराज कर दिया, अब ध्यान रखना है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब ट्रांजिटिव का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ये हमारा एक्ट बन गया। अब ध्यान रखना है, गलती हम लोग क्या करते हैं, यदि इसका पैसिव बनाना हो, यदि कहा जाए आपको कि पैसिव बनाइए, डिस्क्रिप्टिव अंग्रेजी यही करेगा कि ये वाक्य दे देगा और कहेगा किसका पैसिव बनाइए, अब आपको अपनी भाषा में लिखकर पैसिव बनाना होता है, लिखना पड़ता है आपको पैसिव, यहां पर कोई चॉइस की जरूरत नहीं होती है, कोई चॉइस का स्कोप नहीं है। अब इसका यदि पैसिव बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा आप में से अधिकांश स्टूडेंट से ही गलती कर बैठते हैं, सीधे कर देते हैं कि सीता वाज एनॉयड और यहां क्या कर देते हैं बाय राम, बस
यही एग्जामिनर आपसे ढूंढ रहा है कि ये गलती आप भी तो नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है, सेटर को पता होता है कि कहां कहां भूल आप करने जा रहे हैं। जो जनरल अंग्रेजी, जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे लोग आपको सुझाव दे देते हैं कि कहीं डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर पढ़ो, कंपटीशन पास कर रहा है इसलिए डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं कि कोई ग्रामर में रिसर्च कर रहा है तुमको, अरे यार तो यही तो एक नंबर पर एग्जामिनेशन का कंपटीशन निर्भर करता है, और इससे बारीकियां बताओगे नहीं, सीधे कहो कि 10 मिनट में वॉइस सीख लीजिए, उस बच्चे का रिजल्ट आने जा रहा है। इसका ध्यान रखिएगा, अपना जैसे न्यूज चैनल्स वाले लोग टीआरपी बढ़ाते हैं कुछ कुछ कहेंगे, वैसे ही ऐसे लोग स्टूडेंट्स को बिल्कुल डार्क में रखकर अपना टीआरपी बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे ही कहेगा कि 10 मिनट में वॉइस सीख लो, पता है कि मिलियंस व्यूज बन गए हैं और कमाने का धंधा उनका, मिलियंस सब्सक्राइबर्स बन गया है ना, अपना पैसा कमा रहे हैं। एकदम सावधान रहो यार, बहुत खतरे की स्थिति तुम लोगों के लिए लोग क्रिएट कर रहे हैं और तुम लोग भी उसी मकर जाल में फंसते हो, एकदम सावधान रहो, ठीक है। ये सब बारीकियां हैं जहां जाकर एग्जामिनेशन में, एक एक अंक पर हमारा रिजल्ट निर्भर करता है, और उसमें लोग कहते हैं कि सुपरफिशियल पढ़ाई पढ़ लो, ऊपर से पढ़ लो है ना, कुछ सेट बना लो, कुछ प्रैक्टिस कर लो, बाकी 10 मिनट तो वॉइस रिहर्सल पढ़ाई देखें, इन सब चीजों से बची आप, ठीक है। तो ये हमने रखा कि ये सेंटेंस में हमारी क्या गड़बड़ी रह गई, जैसे हमने कहा कि सीता वॉच एनॉयड बाय राम, एनॉयड बाय राम, ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा कि बी क्रिया के साथ यदि एनॉयड का प्रयोग है तो विथ समबडी का प्रयोग होता है, और राम यहां क्या है, समबडी है, इसका मतलब है कि जगह पर हमसे खोज रहा है कि बाय के बदले विथ इस्तेमाल कीजिए, तब से ये उम्मीद करेगा, ध्यान देना है। अब हिंदी क्या बनेगी, एक्टिव वॉइस का था कि राम ने सीता को नाराज कर दिया, पैसिव ये नहीं बनता है कि सीता को राम के द्वारा नाराज कर दिया गया, ये हिंदी नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां इसकी हिंदी बनती है कि सीता राम से नाराज थी, विद की हिंदी आप लोग यहां क्या लेते हैं से, क्योंकि हिंदी अपने ढंग से चलेगी, अंग्रेजी अपने ढंग से चलेगी है ना, तो हम लोग इसकी हिंदी लेते हैं कि सीता राम से नाराज थी, ये नहीं कहते हैं कि सीता को राम के द्वारा नाराज कर दिया गया, चूंकि नॉयड हमने कहा कि बीक्रिया के साथ यहां को दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये वर्ब का अस्तित्व पैसिव वॉइस में बिल्कुल खो देता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है और अपने बात बिथ लेता है यदि समबडी हो। लेकिन हमने कहा कि एट का प्रयोग एंड्रॉयड के साथ बीक्रिया के होने पर होता है यदि समथिंग हो। अब जैसे चलिए हम आपको बता देते हैं, इस सेंटेंस को समझिए, योर रूड बिहेवियर एनॉयड सीता, अब इसको समझिए, तो अब यहां क्या है, ऊपर में था कि राम ने सीता को नाराज कर दिया एक्टिव, यहां क्या है कि तुम्हारे उदंड व्यवहार ने सीता को नाराज कर दिया, अर्थात तुमने नाराज नहीं किया, तुमने व्यवहार ऐसा किया कि उस व्यवहार के कारण सीता नाराज हो गई, सेंस तो बदल गया है, ध्यान रखना है कि हाँ व्यक्ति से नाराज नहीं है बल्कि व्यक्ति के हरकत से नाराज है, ठीक है। अब पैसे में इसको क्या कर देता है, ध्यान रखिएगा, पैसे में कर देगा कि सीता वॉच एनॉयड बाय योर रूड बिहेवियर, ध्यान रखना है, सीता वॉज एनॉयड बाय योर रूड बिहेवियर, अब ध्यान देना है। अब ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि वॉज एनॉयड और यहां बाई का प्रयोग है, बिल्कुल सटीक नजर आने लगता है, लेकिन गड़बड़ी हमारी क्या हो गई कि एनॉयड के साथ यहां ध्यान दें तो यहां समबडी नहीं है बल्कि समथिंग है ना, कोई चीज है, व्यक्ति से नाराज नहीं है, व्यक्ति के हरकत से नाराज है। तो ये एनॉयड हमने कहा कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब हम यहां क्या कहना चाहते, इसकी हिंदी क्या बनना चाहती, हिंदी बनना चाहती कि सीता तुम्हारे उदंड व्यवहार पर नाराज थी या उदंड व्यवहार से नाराज थी, दोनों बातें आप कह सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन यहां बाई नहीं होता है, यहां प्रीपोजिशन हो जाता है एट, ठीक है। तो एनॉयड विद समबडी, एनॉयड एट समथिंग है ना, और उसकी वजह हमने आपको बताई कि ये सब शब्द जो एक्टिव वॉइस में एक्चुअली वर्ब का काम करते हैं, पैसिव में ये वर्ब का अस्तित्व खो देते हैं, ये एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, और यही कारण है कि इनके साथ जो उपयुक्त प्रीपोजिशन इस्तेमाल होना चाहिए वो प्रीपोजिशन आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि
सामान्य ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमने देखा था कि एक्टिव और पैसिव दोनों में वो वर्ब का ही अस्तित्व रखता है और वो आवश्यकता अनुसार वाई प्लस एजेंट लेता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए। एक दो और कुछ चीजें हम आपको समझा देंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर से भी हमको लगता है कि कुछ लाभ आपको अवश्य मिलना चाहिए, कुछ बात समझ में अवश्य आनी चाहिए। प्रॉब्लम्स कैसे दिए जाते हैं ये भी बता देते हैं, आपको क्या सावधानियां बरत रही है ये भी बता देते हैं, आंसर्स क्या होने चाहिए ये भी बता देते हैं। तो फिर इतना करने के बाद में यदि आप बढ़िया से वीडियोस को एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, है ना, बार 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 देखिए, तो मुझे लगता है आपका 99% काम चल जाएगा। 0.1% में ध्यान रखना है कि बुक से संपर्क हमको कभी नहीं तोड़ना है, बुक ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ठीक है, लेकिन बुक्स में भी आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि जो बच्चे मेरे बुक्स पढ़ते हैं तो मैं अक्सर कह देता हूं कि दूसरी किताबों को रख कर तक सेम टॉपिक मत पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे बुक्स में और मार्केट के बुक्स में अंतर आपको कर देंगे, वहां फिर आपको भ्रम की स्थिति पैदा होगी, ध्यान रखिएगा। एक दो झलक हम दे देते हैं बीच बीच में, कभी आवश्यकता पड़ती है तो थोड़ी सावधानी भी आपको बरतनी है। जैसा कि मैंने कहा कि इलाज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपको सामान्य भाषा में कहा जाए कि परहेज भी आपको करना है। अब जैसे ध्यान दीजिए कि एक दो जस्ट हम झलक दे रहे हैं भाई, इसको ध्यान रखना है। और जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कि अर्थ को छोड़कर किसी भी प्लेनेट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है ना, दी अर्थ होता है, लेकिन जैसे हम सीधे कहते हैं मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून आदि, है ना, जो आठ ग्रह बच रहे हैं, समूह का विस्तार से आर्टिकल वगैरह का डिस्कशन हम शुरू करेंगे तो वहां बहुत सारी बात बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये अपने पहले द नहीं लेता है। तो मान लीजिए कि हमें अपना ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर में बताया है कि ये सब बिना द के इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बाजार में बहुत सारे कॉम्पिटिशन के किताब आपको लिखे हुए मिलेंगे जिसमें बताया गया है कि यहां भी आप द अर्थ से लेकर द मार्स, द जुपिटर, द नेपच्यून सारे लोगों ने द लगा रखा है। स्वाभाविक है कि मेरी किताब पढ़िएगा कि नहीं लगता है, वो किताब पढ़िएगा उसमें बताया गया कि लगता है, तो फिर आपको तो प्रॉब्लम हो जाना है, ठीक है, फंस जाइएगा। तो इसलिए या तो मेरी किताब पढ़िए या दूसरे की किताब पढ़िए, दोनों इकट्ठे में पढ़िएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों ने पढ़ाया है और मैंने उसका खंडन किया, ऐसा नहीं होता है। इस तरह से यूट्यूब पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो जो चीज हम लोग कह देते हैं कि ऐसा नहीं होता है, इसमें से बचना है, वही सब चीज लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर भी। यहां भी आपको सावधानी बरतनी है ना। इस तरह से एक आध और एग्जाम्पल हम लें, जैसे हमने कहा कि डी अर्थ होता है, लेकिन इसी में यदि ऑन प्रीपोजिशन लग जाता है तो ये सीधे ऑन अर्थ होता है। इसको हम लोग मुहावरेदार प्रयोग कहते हैं, धरती पर, पृथ्वी पर, इसके लिए सीधे ऑन अर्थ होता है। कई किताबों में हमने देखा है जो कॉम्पिटिशन के लिए, चूंकि अक्सर बहुत सारे बच्चे जब हम लोग पढ़ाते हैं तो मेरे भी स्टूडेंट्स दूसरे दूसरे किसी लेखक की किताब लेके पहुंच जाते हैं, सर आपने पढ़ाया कि ऑन अर्थ है, इस किताब ने दिया ऑन दी अर्थ है। तो अपने बच्चे को तो स्ट्रिक्टली मैं माना कर देता हूं, या तो ये पढ़ो या ये पढ़ो यार, ठीक है। अब कितना हम डिस्कशन करते रहेंगे, क्योंकि जो आप लोग किताब लिख रहे हैं आज शुरू किए हैं, हम लोग 30-35 साल से काम कर रहे हैं, तो कुछ तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं ना यार, डार्क में नहीं ना बता रहे हैं आप लोगों को, कुछ ठोस प्रमाण है तभी हम आपको बता रहे हैं कि ऑन अर्थ होता है, ऑन द अर्थ नहीं होता है। तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम आपको मिल सकता है। एक आध झलक और हम दे दें, जैसे एक आध किताब में कुछ बच्चों मिलाकर हमको दिखाए, ये सब ये आपको किताब में मौजूद है, इसमें बता रहे हैं, जो बहुत प्रचलित किताब सब है, दिल्ली वगैरह से निकली हुई है, पूरा सुपर हिट है बाजार में, ध्यान रखिएगा। देखिए कैसा कैसा बुखार है, जस्ट एक झलक हम आपको दे रहे हैं, इसलिए बची अरे तो किताब है, यूट्यूब के फेरे में भी कम खतरा नहीं है आपके लिए। उसी तरह से मान लीजिए कुछ बीमारियों के नाम है जैसे मिजल्स, मम्प्स आदि, है ना। अब हम लोग पढ़ाते हैं कि ये केवल फॉर्म में प्लूरल है, ध्यान रखना ये फॉर्म इसका क्या है, प्लूरल है, कि आप चूंकि आमतौर पर किसी नाउन में यदि एस सी एस लगा रहता है तो प्लूरल होता है, लेकिन इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो स्वरूप उसी तरह से प्लूरल दिखाई पड़ने लगता है। तो हम लोग बताते हैं कि फॉर्म में प्लूरल है, लेकिन फंक्शन इनका हमेशा ध्यान रखना है क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ कभी भी आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, हम ये पढ़ाते हैं। जबकि बाजार में कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि सम प्लूरल नाउंस, है ना, और उन प्लूरल नाउंस में बड़ी मजे में लोगों ने इन सारे शब्दों को रख दिया है कि मिजल्स, मम्प्स आदि सब के सब प्लूरल नाउंस है।
तो मैंने कि हमको इसलिए सब बात समझ में आती है कि चूंकि बाजार की किताबें मैं नहीं पढ़ता हूं खरीद के, है ना, चूंकि मुझे उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं अथॉरिटीज को पढ़ता हूं। इसलिए आज जो लोग लिख रहे हैं उनसे हमको अंग्रेजी सीखनी है, ऐसी बात नहीं है। मुझे सीखनी होती तो मैं अथॉरिटीज से सीखता हूं, है ना, जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं मैं उनको पढ़ता हूं, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज पढ़ाता हूं, बच्चे दूसरे की किताब उठा के ले आते हैं, तब ये सब चीज देखने को मिलती है। और ध्यान रखिएगा, ये सब किताबें दिल्ली से निकली हुई है और इतना बड़ा इन लोगों का नेटवर्क है कि हमको लगता है कि लाखों बच्चे यही सब चीज पढ़ रहे हैं। जस्ट एक झलक, दो झलक हमने दिया। इस तरह से किसी किताब में हमने देखा कि एज एज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और सो एज का निगेटिव सेंटेंस में होता है। ध्यान रखना है, इसको लोगों ने पढ़ाया अफर्मेटिव सेंटेंस और इसको लोगों ने पढ़ाया निगेटिव सेंटेंस। अब ध्यान देना है, अब इसमें लगता है कि कितनी कम जानकारी रखकर लोग किताब लिखना शुरू कर देते हैं, ये बड़ी त्रासदीपूर्ण स्थिति है। इसकी स्थिति क्या होती है मैं बता देता हूं आपको कि एज एस अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, यह निगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब हुआ कि सो एज का पावर कम है, एज एस का पावर ज्यादा है, ठीक है। तो किताबों में भी ये सब बहुत सारी चीजें भरी हुई है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे इसमें, बस अपने बच्चों को केवल कहते हैं भाई सब चीजों से बचो, ठीक है। तो किताबें भी आप पढ़िए, ठीक है, लेकिन यहां की किताबों से थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए काम आपको करना है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन समाप्त कर रहे हैं। अगेन कहना चाहेंगे कि वीडियोस आप लोग पसंद आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चूंकि एक चीज और हम देख रहे हैं कि जिन लोगों को ऐसी ऐसी चीजों से कष्ट हो रहा है जो मैं बता रहा हूं कि ये सब चीज कर रहे हैं, और ऐसे लोग अनफॉर्चुनेटली मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तीन लोगों को देख रहे हैं, धड़ाधड़ डिसलाइक मार रहे हैं लोग, चूंकि चूंकि लोगों को लग रहा है कि हमको खतरा है। अरे तू लोग मिलियंस तुम्हारे व्यूज हैं, हम तो जस्ट अभी शुरू कर रहे हैं, कहां खतरा है तुम लोगों को, कम से कम 10-20-50 बच्चा मेरा देख रहा है उसको तो मैं सही जानकारी दे दूं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा लाइक करें ताकि कम से कम लगे कि हाँ आप कहीं ना कहीं से पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज यहीं तक।